हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप देख रहे हैं, ये शाम का टाइम है और ये बहुत जगह पे ना एक दिन पहले 6 तारीख को ही होलिका मतलब हो गया था। होलिका का जो जलने का होता है ना, तो होलिका पूजा हो गया था। और हमारे यहाँ ना ये मंदिर है ना जहाँ मैं पूजा करने जाती हूँ, तो हमारे यहाँ ये आज 7 तारीख को शाम को मतलब यही 6:30 लगभग बजा था उस समय। हाँ, 6:30-7:15 के लगभग का टाइम था। तो ये होलिका मतलब ये मोबाइल लेके गए थे और वहाँ पे ना ये वीडियो बना के लाए थे। तो वहाँ पे पूजा वगैरह हुआ, जो भी सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। और यहाँ आप देख सकते हैं सभी लोग अपना मतलब ये जो ऊख वगैरह गन्ना वगैरह होता है ना, तो सबका अपना अपना नियम होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए कितने अच्छे से मतलब जल रहा है और काफ़ी भीड़। और अभी क्या है ना कि अभी 2 दिन होने की वजह से क्या है ना, थोड़ा ऐसे कोई कहीं कर लेता है पूजा, कोई कहीं, तो सब अपने अपने जो जगह होता है ना, अपना अपना एक ठो इलाका बोल के, तो सब अपना अपना ही जगह पे करते हैं। कि चलिए इतना नियम होता है, बहुत जनों का अलग अलग नियम होता है, पूजा पाठ भी होते हैं उस दिन। तो हम लोग का तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, बस खाली ये गए थे। और हमारा जो होता है ना, तो एल्पन वगैरह होता है ना जो हम घर में यूज कर लगाते हैं, जैसे कोई सरसों पीस के वगैरह कुछ, तो यहाँ वही सब मतलब डाल देते हैं कि मतलब अपने अपने बच्चों का, अपने सभी का। तो यहाँ पे ये तो ये ज़्यादा ही बना लिए थे वीडियो, तो इनको जितना मतलब रोकने भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर उसके बाद ये घर आ गए और यहाँ पे ना मैं पहले इनको ही लगा दूँगी। तो ये मैंने आटा और बेसन लिया है और इसमें हल्दी डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाला था और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। वैसे तो मैं सरसों ही पीसती हूँ, तो लेकिन अभी क्या है ना कि बहुत फटाफट से कर लिया था हमने, क्योंकि ये होलिका का ना टाइमिंग कुछ अलग, कभी अलग हो जाता है, कभी मतलब जल्दी हो जाता है। तो पिछली बार है ना रात के 12 बजे के बाद जला था, तो मैं काफ़ी देरी इंतज़ार करने के बाद भी 10:30 तक तो मैं इंतज़ार की, लेकिन तब तक मतलब कुछ भी नहीं हुआ था। तो चलिए कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग ये फिर से मोबाइल लेके चले गए थे कि मतलब थोड़ा सा और वीडियो बना के ले आते हैं। और उसके बाद ना मतलब हमने वही एल्पन जो लगाया था ना, वही मतलब उसमें डाल देते हैं ताकि अपने बाल बच्चे सब सुखी रहे, अच्छे रहे, सबका मतलब खांसी सर्दी बुखार जो भी हो भगवान के दया से सही रहे। तो बस यहाँ पे भगवान जी का कपड़ा वगैरह जो धोया था ना मैंने, तो वो एक छोटा सा हैंगर था तो उसमें मैंने टांग दिया है। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ भगवान जी को। तो आप सभी को हैप्पी होली। तो आज है होली है, तो आप सभी को होपी है मतलब होली की शुभकामनाएं। और कल होलिका था, तो ये 2 दिन का वीडियो हो जाएगा। एक सुबह कल शाम का बनाया था मैंने और आज अभी, तो ये अबीर मैंने मंगवाया था एक ठो। तो ये देखिए इसमें भी लड्डू गोपाल का चित्र बनाया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा होता है। तो ये 2 कलर का मंगवाया था मैंने। तो चलिए ये अभी एक अभी यूज कर लेती हूँ, फिर जो बचेगा तो उसे ये लोग होली में साथ में खेल लेंगे। और एक पैकेट और है जो शाम को यूज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अबीर लिया है और फूल माला लिया है और एक दीपक जला लिया। और सभी भगवान जी को देखिए मैंने पूजा भोग वगैरह सब कुछ कर लिया था, और अभी इनको गुलाल वगैरह लगा देती हूँ और इन टीका वगैरह मैंने सब कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले भगवान जी को ही जाता है जो भी कुछ होता है ना। तो यहाँ पे पहले मैंने सभी भगवान जी को आरती वगैरह कर लिया है, फूल वगैरह जो भी था चढ़ा दिया है, फिर बाद में मैंने कर लिया है और थोड़ी देर बाद ये भी करेंगे पूजा वगैरह। क्योंकि हमारे यहाँ ना कुछ भी होता है ना तो सभी लोग पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अबीर वगैरह लगा दिया है और अच्छे से पूजा मेरी पूजा हो गई है। उसके बाद ये भी आ गए थे नहा धो के, तो इन्होंने भी अपना ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि माला फूल ये सब टाइम सुबह नहीं मिलता, तो मेरे पास थोड़ा सा ये सुबह ला दिए थे। तो ये बगान है ना, बगल में बगान है हम लोग के, तो वहीं से ला दिए थे। तो ये उसके बाद ये अपना पूजा कर लेते हैं, मैं यहाँ पे अपना चाय चढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम हो जाएगा, फिर बहुत सारी काम है आज, तो पहले चाय से ही शुरुआत होती है हमारी। तो यहाँ पे ना ये मुझे जो थाली में जो बचा हुआ था ना, तो ये मुझे लगाने लग गया था और मैंने भी इसे लगा दिया। तो चलिए अब काम स्टार्ट करते हैं, इतना सारा काम है और मैं अकेली करती हूँ, मेरे हाथों में इतना दर्द हो रहा है ना क्या बताऊँ, 1 हफ्ते से दर्द हो रहा है हाथ में कुछ,
लेकिन फिर भी मुझे काम तो अपना करना ही होता है। तो यहाँ पे ये मटर लाए थे शाम को कल, तो यह अभी मैं छील रही हूँ, क्योंकि कल शाम को छील देती ना तो अभी के मटर जो ना अच्छे नहीं आ रहे, काफ़ी मतलब कड़े आ जाते हैं। पहले शुरू शुरू में ही सही रहता ये सब, तो लेकिन अब ला दिए तो फिर मैं गर्म पानी में उसे थोड़ा सा वो कर दूँगी तो थोड़ा वो नरम हो जाएगा। तो या और उसके बाद मैंने प्याज वगैरह काट कट कर लिए, और यहाँ पे ना ये बिरयानी वाला जो चावल होता है ना, लंबे वाले चावल, तो उसी को मैंने चढ़ा दिया है। तो एक तरफ़ ये चावल होगा और एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है कुकर में। तो यहाँ पे आलू बॉईल हो जाएगा और चावल भी बन जाएंगे। और ये देखिए गली कितना सुनसान है, अभी सब लोग अपने अपने घर में, और अभी जब हुड़दंग मचेगा थोड़ा देरी बाद, तो यहाँ पे मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं और चावल अभी भी पक रहे हैं। तो आलू में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर लिया है, फिर इसे फटाफट से छील लूँगी। तो ये मेरी आलू की मतलब आलू टमाटर की सब्जी बनेगी, और कचौड़ी के साथ जो मार्केट में आती है ना, वही कलब कचौड़ी का जैसा जो सब्जी आता है ना, वही वाली सब्जी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा पानी पानी हो गया, क्योंकि मेरा पता ही आप लोगों को कि मेरा काम नीचे ही होता है। उसके बाद मैंने आलू को छील के रख दिया है, और यहाँ पे आज मतलब होली है तो पहले भगवान जी को कुछ मीठा बना के चढ़ा देती हूँ। तो मेरा चावल अभी हो ही रहा है, तो यहाँ पे मैंने सूजी चढ़ा दिया है। तो सूजी थोड़ा सा डार्क कलर हो जाएगा भूनने के बाद, तब मैंने इस पे पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद जितना पानी डालना था डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें चीनी डाल दिया है। अब इसे थोड़ा देर पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसमें थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, क्योंकि पहले घी नहीं डालती हूँ, ऊपर से डाल देती हूँ घी। तो इससे क्या है ना कि वो मतलब इसमें घी का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने ऊपर से ही घी डालती हूँ। और ये जब तक इसमें पानी है ना, तब तक इसका पूरा पानी सुखा लेना है मुझे, क्योंकि पानी रहेगा ना तो अच्छा नहीं लगता। जब पूरा पानी सूख जाएगा तब समझ ली कि हमारा हलवा बन गया, तैयार हो गया। तो पहले भगवान जी को भोग लगेगा, उसके बाद मैं सभी को दे दूँगी नाश्ता के लिए। तो ये यहाँ पे देखिए मेरा हलवा का अभी भी जरा सा भी मतलब थोड़ी सी कसक बाकी रह गई थी। तो ये और ये देखिए यहाँ पे पहले मंदिर में मैंने और ये जितना भी माला फूल जो भी लाए थे सब चढ़ा दिया है, और यहाँ पे भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया हलवा का। और आप लोग भी आ जाइए, और यहाँ पे देखिए फिर सभी को मैंने दे दिया।